ओके स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, देखिए पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। कोई भी नंबर जो होता है बच्चों, जैसे सपोज 2.563, ऑल द डिजिट्स विच आर मीनिंगफुल इन अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वॉट इट मीन्स, देखिए जैसे सपोज आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आपने जो भी स्केल मेजरमेंट का यूज़ किया, सपोज उससे आपने मेजर किया 1.0, एक कोई दूसरा स्केल यूज़ किया आपने, उससे आपने मेजर किया 1.01 तक मेजर कर लिया, कोई अनदर स्केल यूज़ किया उसमें आपने मेजर कर लिया 1.012 तक। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये मेजरमेंट का प्रिसिशन बढ़ी तो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है। एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है? एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। और आप ये भी कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंक्रीजिंग, मीनिंग कि जो स्केल फर्स्ट प्लेस तक ही मेजर कर पा रहा था, एक दूसरा स्केल सेकंड प्लेस तक मेजर कर पा रहा है, एक थर्ड स्केल थर्ड प्लेस तक मेजर कर पा रहा है, तो वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी इंक्रीज आ रहा है और उसकी मेजरमेंट में एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। तो जितने भी ये डिजिट्स हैं, देखो यहाँ दो डिजिट हैं, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, तो ये क्या है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस टाइम सिग्निफिकेंट फिगर है टू, यहाँ है थ्री, यहाँ है फोर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो मैं अब आपको ये रूल्स बताती हूँ। देखिए शॉर्ट में मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करती हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। टू, थ्री, फोर, ये सब सिग्निफिकेंट हैं। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ बीच में आ रहा है, सिग्निफिकेंट है। थर्ड पॉइंट है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे सपोज मैंने लिखा 0.01, ये मेरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और उससे पहले जीरो आ रहा है लेफ्ट में, देखिए आ रहा है, ये सब इनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं डेसिमल का प्लेस कहाँ पर है, कि वन सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पे है, अदरवाइज मेजरमेंट करते वक्त इनका कोई रोल नहीं था, सो दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, सपोज 0.002 लिखा है, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितनी है, वन, यहाँ कितनी है, टू। ओके, गॉट इट। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनी एक्सपोनेंशियल नंबर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स सपोज लिखा है 6.02 × 10^23, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिर्फ थ्री, ये वाली, ये सिग्निफिकेंट में नहीं आती, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये तो फिर क्या बता रही हैं आपको, सिर्फ जीरोज की पोजिशन बता रही हैं, डेसिमल कहाँ पर है, कितने जीरोज हैं, अदरवाइज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि डेसिमल की पोजीशन कितनी है, सिर्फ ये बता रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू और मोर नंबर्स आर एडेड, सपोज एडिशन कर रहे हैं आप, एड
कुछ नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका, फाइनल रिजल्ट ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट, दोनों में सेम रूल है। फाइनल रिजल्ट विल हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन द नंबर हैविंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका क्या मीनिंग है, सपोज हम दो तीन नंबर ऐड कर रहे हैं, सपोज हम ले रहे हैं 7.23, 2.1, 0.123, ऐड कर दिया, ऐड करके आ गया सपोज 9.453, ठीक है, ये आ गया ऐड करके। अब जो आपका फाइनल आंसर है, उस फाइनल आंसर में क्या होगा, सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर में आप कितना, आपके फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। आप देखिए लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला कौन सा नंबर था, ये लीस्ट, सिर्फ दो डेसिमल प्लेस थे, मतलब वन डेसिमल प्लेस है, सॉरी, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही आना चाहिए। लेकिन अब अगला नंबर अगर 5 है तो आप इसे 1 इंक्रीज कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये आ गया 9.5, ये आंसर हो गया। और अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है, आ गई बात समझ में, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, प्लस और माइनस के लिए सेम रूल फॉलो होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए सेम रूल फॉलो होता है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइनल रिजल्ट विल हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर तो क्या था, डेसिमल प्लेस देखने हैं सबसे कम किस में है, यहां पर है कि सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है सबसे कम किस में है, नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल है इसका बच्चों, जैसे आप ले लीजिए सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364। अब अगर कोई ये क्या है, ये तो एक एग्जैक्ट नंबर है, इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर को नहीं देखा जाता बच्चों, एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट कंसीडर्ड, एग्जैक्ट नंबर को तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट है, ठीक है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स की कंसेप्ट ही नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26.820, जब इसे तो कंसीडर ही नहीं करना ही इसे कंसीडर है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल, 4, अगर इसमें 4 हैं तो आपके आंसर में भी 4 ही होनी चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा 26.82। देखिए और एग्जांपल्स देखिए, सपोज नंबर है 0.212, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ये 0 नहीं काउंट करते, नंबर है 0.2120, ये वाला 0 काउंट होगा बच्चों, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने इसे एग्जैक्टली 4th प्लेस तक मेजर किया, तो इसमें है 4।
नंबर इज 6.023 × 10^23। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं जो यहाँ लिखी हैं? 4। लेकिन वैसे अगर कहीं आपको पूछा जाए एवोगैड्रो नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तो आप लिख देंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों लिख देंगे? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कई बार बच्चों फिक्स नहीं होती, कभी तो ले ली जाती है 6.02, कभी खाली 6.022 भी ले ली जाती है। ये बार बार हर क्वेश्चन में आप देखिए, कई बार न्यूमेरिकल्स करते हैं, अलग अलग वैल्यू दे दी जाती है, उसमें चेंज कर देते हैं। तो यानी कि जब ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी फिक्स नहीं हुए, वेरिएबल हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? वेरिएबल। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 3.0023 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये सब हैं 5। ओके 5.42। ओके 243.04। डेसिमल के बाद वाला जीरो मैटर करता है, ये हमें ये बता रहा है कि इस वैल्यू को मेजर करते हुए डेसिमल का फर्स्ट प्लेस भी इंपॉर्टेंस रख रहा था। 243.005, गॉट इट? 0.21, 0.02, अगेन 1। ये जीरो मैटर नहीं कर रहे क्योंकि ये एक्यूरेसी में कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके अच्छा, अब आते हैं एक और पॉइंट पे। और कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। 3.653 × 10^4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके 0.00368, ये वाले जीरोस मैटर नहीं कर रहे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके 126000, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 3 क्यों है? इन जीरोस का क्या करा हमने भाई? इस नंबर को तो ऐसे भी लिखा जा सकता था ना, 1.26 × 10^5, और 10 की पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंस में आती नहीं, ठीक है ना? तो कितना आंसर हो गया? 3। इसमें देखिए 3 तो है, ठीक है। और देखिए (6.626 × 10^-34) क्या है बच्चों? ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट में कितनी हो गई अब सिग्निफिकेंट फिगर? देखिए आप यहाँ कितनी दिए हैं? 4। ओके और मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ डिफरेंट सा थोड़ा। If any number is obtained by counting, हम कुछ count कर रहे हैं, counting, then the exact number which is obtained, exact number which is obtained will have infinite significant figures, infinite significant figures। इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए इसका क्या मीनिंग है। मान लीजिए आपके पास कुछ एग्स हैं, आप उन्हें काउंट कर रहे हैं, एग्स आ गए 20। काउंट करा ना आपने,
काउंट करके, तो कोई अनसर्टिनिटी की तो चांस ही नहीं रहा, अनसर्टिनिटी नहीं है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर का एक ये भी रोल होता है, जहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रहे हैं ना, इसका ये मतलब है इस मेजरमेंट में कुछ अनसर्टिनिटी थी, कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी कि इसका नेक्स्ट वाला नंबर एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं तो अनसर्टिनिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, सारी डिजिट सर्टेन हैं, हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये इतना ही है, 20 ही है इसका आंसर। तो जब हम श्योर हैं तो इसमें लिखा तो हमने 20 है, मैं इसे 20.0 भी लिख सकती थी, मैं इसे 20.00 लिख सकती थी, 20.0000 लिख सकती थी। तो दैट मीन्स मैं इस टाइम इसमें जितनी चाहे ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3, यहाँ हो गई 4, यहाँ हो जाएगी 6। तो दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर मैं अपनी मर्ज़ी से कितनी ज़्यादा भी बढ़ा सकती हूँ। तो दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इनफाइनाइट इन सच अ केस। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब इसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, फिर एक चैप्टर में टॉपिक ये भी है बच्चों, जो बिल्कुल इनिशियल, हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स में, यूनिट्स के बारे में। ठीक है ना, यूनिट्स, कुछ SI यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के SI यूनिट्स आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखे होंगे। देखिए SI यूनिट्स में आ जाएंगे जैसे आपके लेंथ, सबको पता है मीटर, मास, KG, टाइम, सेकेंड्स, टेम्परेचर, केल्विन। इनकी रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया करिए बच्चों, कई बार सेकेंड्स को हम SEC लिख देते हैं पर वो गलत है, स्मॉल s, ये भी मैटर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? MOL लिखा जाता है, सिर्फ इसकी सिंबल है MOL। मोल तो पूरा एक यूनिट है और MOL क्या है? MOL है सिंबल। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये कुछ बेसिक SI यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।